तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लिमिट स्विच को यूज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा लिमिट स्विच, और लिमिट स्विच को यूज करके हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरी वर्किंग भी एक्सप्लेन करूंगा और सर्किट के साथ भी समझाऊंगा कि इसमें NONC का स्विच होता है एक ही लिमिट स्विच के अंदर, जिससे आप इसको अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाए। और आप आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो हमारे लिमिट स्विच होते हैं ये कॉन्टैक्ट टाइप स्विच होते हैं। जब तक टारगेट इससे टकराता नहीं तब तक हमारा स्विच ऑपरेट नहीं करता। और जितने भी हमारे सेंसर होते हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप स्विच होते हैं। आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि लिमिट स्विच में क्या होता है, जब टारगेट इससे टकराएगा, किसी भी डायरेक्शन से टकराएगा, मेरा स्विच ऑन कंडीशन में आ जाएगा। और जब कोई भी टारगेट नहीं है तो ये एक्ट कर रहा है हमारा ऑफ स्टेट में। और इसी स्विच के अंदर हमारा NONC का भी फंक्शन है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको NO स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसको NC स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं लिमिट स्विच को एक्सप्लेन करता हूँ एक एप्लीकेशन के थ्रू। आप इस तरह समझो कि मेरी यहाँ पे एक हाइड्रोलिक प्रेस है, और हाइड्रोलिक प्रेस जैसी पीछे होती है मेरा लिमिट स्विच ऑपरेटिंग कंडीशन पे आ जाता है। आप देख रहे हैं, अब जैसे ही ऑपरेटिंग कंडीशन पे आ जाता है, इसके बाद मेरे को कोई भी प्रोसेस कराना हो, चाहे वो कटिंग का हो चाहे वो लेबलिंग का हो, उसको मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। इसको यूज करके मैं एक मोटर या कोई भी लोड, मेरा AC हो DC हो, उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। ये AC DC लोड को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट को यूज किया है। इसकी जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है वो लिखी हुई है 5 एम्पियर। अगर आपको फिर भी इससे ज्यादा बड़ा लोड कनेक्ट करना है तो इसके बाद एक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करो, और फिर उसके बाद अपना जो भी आपको लोड ऑपरेट करना है उसको ऑपरेट करो। अब मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ कि कैसे हम स्विच को यूज करेंगे अपनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, और इसमें NONC का स्विच है उसको भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। मैं सिर्फ इंडिकेटर्स को यूज करूंगा जो DC वोल्ट के होंगे, पर आप AC DC लोड को भी ऑपरेट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये रहा हमारा लिमिट स्विच। आप देख सकते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में हम इसको मूव करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा इस स्विच के थ्रू। ये स्विच एक्ट कर सकता है हमारा एज अ NO स्विच भी और NC स्विच भी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम एडजस्ट भी कर सकते हैं कि इसको किस लेंथ पे हमें सेट करना है इस लिमिट स्विच को। लिमिट स्विच के अलग अलग मॉडल्स आते हैं अलग अलग हाउसिंग टाइप में और अलग अलग माउंटिंग टाइप में। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ एक वेरिएंट है जिसमें एक व्हील लगा हुआ है, बल्कि रियलिटी में लिमिट स्विच इंडस्ट्री में अलग अलग वेरिएंट या अलग अलग मॉडल डिपेंडिंग अपॉन दी हाउसिंग टाइप में होते हैं। अब इसकी वायरिंग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं SMPS यूज़ करूँगा जो 24 वोल्ट DC की SMPS है। इसकी करंट रेटिंग 4.5 एम्पियर की करंट रेटिंग की SMPS है, और ये है मेरा लिमिट स्विच। मैंने लिमिट स्विच को यहाँ पे ओपन कर दिया है जहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे हमारे दो इंडिकेटर्स हैं। रेड मेरा है NC स्विच के लिए इंडिकेटर मैं यूज़ करूँगा, और ग्रीन मेरा NO स्विच के लिए इंडिकेटर यूज़ करूँगा। अब देखते हैं कनेक्शन किस तरह से होंगे। इसमें हम पहले कनेक्ट करेंगे अपने ग्रीन इंडिकेटर को जो एक्चुअल में एक NO स्विच के लिए होगा। मैं सबसे पहले ग्रीन इंडिकेटर का नेगेटिव को NO पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं, और इसका जो दूसरा एंड स्विच के थ्रू उसको डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ, नेगेटिव पॉइंट SMPS के। और इंडिकेटर का जो पॉजिटिव एंड है उसको मैं डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से मेरे इंडिकेटर और लिमिट स्विच के NO पॉइंट के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं लिमिट स्विच को मूव करता हूँ इनिशियल पोजीशन से, तो मेरा इंडिकेटर ऑन स्टेट पे आ जाता है, और जब लिमिट स्विच दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट पे आता है तो मेरा इंडिकेटर ऑफ स्टेट पे हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये NO स्विच है। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, मतलब इनिशियल स्टेट इंडिकेटर की ऑफ रहेगी। अब लिमिट स्विच को एज अ NC स्विच भी यूज कर लेते हैं। NC स्विच के लिए हम कनेक्शन इस तरह से करेंगे, जो रेड इंडिकेटर है उसका नेगेटिव हम NC पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे एक एंड, और उसका दूसरा एंड डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे।
अब देख सकते हैं कनेक्शन किस तरह से किए, और हम एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे और उसको एनसी स्विच के एक एंड को डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी के साथ हम सप्लाई ऑन करते हैं SMPS की, जो 220 वोल्ट AC की है, और आप देख सकते हैं कि अब रेड इंडिकेटर पहले ही ग्लो कर रहा है। ये NC ऑपरेशन होता है जिसका मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। इसका मतलब ये है जब लिमिट स्विच इनिशियल पोजिशन पे होगा तो हमारा NC स्विच ऑपरेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से रेड इंडिकेटर ऑन रह जाएगा। पहले जब लिमिट स्विच को हम स्विच करते हैं अपनी इनिशियल पोजिशन से तो हमारा ग्रीन इंडिकेटर ऑपरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं NO ऑपरेशन। और जो हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हो रहा है वो एक्चुअल में NC की वजह से हो रहा है। NO NC में डिफरेंस समझ लो इस स्विच के थ्रू कि एक्चुअल में NO NC का मतलब क्या है लिमिट स्विच में। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस डिक्रीज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली इंडिकेटर्स विजिबल हो पाए कि कैसे चीज़ें ऑपरेट कर रही है NO NC में। आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट स्विच कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लिमिट स्विच को मूव करते हैं इनिशियल पोजिशन से या जहाँ पे उसको लिमिट स्विच को हमें स्विच करना है। आप देख सकते हैं क्लियरली आपके सामने है, और आप इसके ऊपर एक कवरिंग देख सकते हो। इस कवरिंग को आपको हटाना पड़ेगा जब आपको कनेक्शन करने हैं, वो आप एक स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करके हटा सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि इसके पीछे एक वायर करने के लिए, अगर आपको वायर निकालनी है उसके लिए भी आपको एक माउंटिंग टाइप मिलेगी जब भी आप कनेक्शन करोगे। मेरे जब भी टेक्नीशियन भाई किसी भी प्लांट में जाते हैं तो वहां पे हजारों ऑपरेशंस हो रहे होते हैं या हजारों प्रोसेस हो रहे होते हैं, और हर प्रोसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जहां पे ऑटोमेटिक करना बहुत जरूरी है। जब हमारा देश ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेगा वो तभी होएगा जब हमें राइट नॉलेज होगी कि हमें चीजों को कैसे ऑटोमेटिक करना है। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको राइट नॉलेज दूं और चीजें प्रैक्टिकली दिखा पाऊं कि हमें चीजों को कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको लिमिट स्विच की वायरिंग के साथ एक्सप्लेन कर पाऊं कि हमें कैसे लिमिट स्विच को यूज करना है अपने एप्लीकेशन के लिए। और मेरे आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।